हेलो फ्रेंड्स, आई एम निधि एंड वेलकम टू माय चैनल यू केयर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं बेटनोवाइट-एन के बारे में। बेटनोवाइट-एन क्या है, इसकी क्या क्या प्रोसेस है, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या क्या साइड इफेक्ट है, इसको हमको यूज करना चाहिए, इसको यूज नहीं करना चाहिए, इसकी हैबिट हो गई है तो क्या करना चाहिए, मेरी इसकी 1.5 साल की जर्नी कैसी रही थी, ये सारी वीडियो में मैं अपने में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसपे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। अभी तक आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन फिर जब ये मैंने वीडियो बनाई है, इस पे बहुत सारी कमेंट्स मुझे देखने को मिलती हैं, जिनका मैंने काफी हद तक रिप्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे वही सारी कॉमन काफी कमेंट देखने को मिलती है, जिनका रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं ठीक से आपको समझा नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगता है कहीं आप डिमोटिवेट ना हो जाओ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, बेटनोवाइट-एन के सफर से मैं गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है क्या क्या सिचुएशन उसमें जो है फेस करनी पड़ती है। तो यार, मैं आप लोगों को बस हिम्मत देना चाहती हूँ। मैं हमेशा कमेंट में भी बोलती हूँ, आपको पेशेंस रखना है, आपको हिम्मत रखनी है, आपका फेस जरूर ठीक होगा, आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। तो फिर उसमें जो है मुझे काफी सारी कमेंट्स देखने को मिलती थी, तो उन कमेंटों का रिप्लाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी कमेंट्स हमको देखने को मिलती हैं, और अगर आपकी भी कोई कमेंट है तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी रिप्लाई जल्दी करने की कोशिश करूंगी। सुबह एक जो रिद्धि आनंद है, उनकी आज मुझे कमेंट आई थी कि मैम, मैं इसको यूज कर रही हूँ, मेरे रैशेज हो रहे हैं, मेरे दाने हो रहे हैं, जो कि मैं बता ही चुकी हूँ कि जो सबको कंपलसरी होते ही है, उनको कैसे ट्रीट करना है वो भी मैं बता चुकी हूँ अपनी हेल्प से, डॉक्टर की हेल्प से। लेकिन उनकी एक ये कमेंट आई थी, क्या मेरा चेहरा पहले की तरह ठीक हो पाएगा, क्या मेरा फेस सही हो जाएगा। तो यार, कंपलसरी ज्यादातर मोस्टली सबकी यही कमेंट आती है, क्या मेरा चेहरा पहले की तरह ठीक हो पाएगा। तो यार, यहाँ पे एक कॉमन सी बात है, आप अपने माइंड से सोचिए, क्या आप लोग डिमोटिवेट होते हो ये सोच के कि क्या मेरा फेस कभी ठीक हो पाएगा, मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ 1 साल का, इतना कुछ अपने फेस पे सहन कर रहा हूँ, और क्या उसके बाद मेरा फेस ठीक होगा या नहीं, ये हर किसी के मन में होता है। ये मेरे मन में भी था उस टाइम, मैं भी नहीं सोचती थी कि शायद मेरा ठीक होगा, जो मेरी फेस की कंडीशन दिखती थी। लेकिन जो है, मेरे हस्बैंड मोटिवेट करते थे, डॉक्टर बोलता था होगा लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन मुझे कुछ विश्वास नहीं था। लेकिन अभी मैं देखती हूँ, आप मेरे देख सकते हो, मेरे चेहरे पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी मेरे फेस पे, मतलब कि ऐसा कोई भी रैशेज, इचिंग, जबकि इस समय गर्मी भी पड़ रही है। लेकिन फ्रेंड, डेफिनेटली आपका फेस ठीक होगा, 101% आपका फेस ठीक होगा। लेकिन आपका फेस कब ठीक होगा, इसमें भी कुछ शर्तें हैं, तभी आपका फेस ठीक होगा। कुछ गर्ल्स की, जैसे कि एक लड़की थी मेरी, जिनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मैम, अगर मैं इसको 7 दिन में या 10 दिन में बीच में एक बार लगा लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। यार, अगर आप ऐसा सोचते हो कि 10 दिन मैंने इसको लगाया और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, हल्का सा लगा लेती हूँ, कुछ नहीं होगा, तो जहां आपने 10 दिन में 1 दिन लगा लिया ना, तो आपकी 10 दिन की जितनी भी मेहनत है वो वेस्ट जाएगी, फिर आपका फेस कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा, परमानेंटली आप अपने फेस को कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। अगर आपको परमानेंटली अपना फेस हमेशा की तरह ठीक करना है, 100% होगा, 101% होगा, लेकिन उसका सिर्फ यही जो है सॉल्यूशन है कि आपको बेटनोवाइट-एन क्रीम को घर से बाहर फेंकना होगा, बिल्कुल सोच लेना होगा कि मुझे ये क्रीम नहीं लगानी, रैशेज होंगे, इचिंग होंगे, दाने होंगे, फेस खराब होगा, कितनी भी प्रॉब्लम आए मुझको सहन करना है, लेकिन मुझे इस क्रीम को नहीं लगाना। अगर आपने जहां 1 साल तक ये चीज को फॉलो कर लिया ना, 1 साल आपने सहन कर लिया, पेशेंस रख लिया, तो फ्रेंड आप देखोगे कि धीरे धीरे 1 साल में तो पूरा ही रिकवर हो जाता है, 7 से 8 मंथ में आपका फेस काफी हद तक रिकवर होने लगेगा धीरे धीरे। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आईब्रो बनवाने के बाद दाने निकलना, रोटी बनाते समय गैस से जो चेहरा जला जला सा होना, गर्मी में जाने से चेहरा रेड पड़ जाना, रैशेज हो जाना, कोई भी क्रीम लगाते चेहरे पे रैशेज हो जाना, साइड इफेक्ट हो जाना, ये सारी चीजें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। पहले मैं कहीं जाती थी, हल्का सा फाउंडेशन भी लगा लेती थी ना, तो 4 दिन तक जो है भर के बेटनोवाइट-एन लगाना पड़ता था, मतलब कि एक फाउंडेशन तक भी आप कहीं नहीं लगा सकते हो पार्टी में जा रहे हो, तो इस हद तक जो है आपके फेस को जो है डैमेज कर देती है। तो फ्रेंड, अगर आप सोच लोगे कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बेटनोवाइट-एन नहीं लगानी, तो फ्रेंड आप बेटनोवाइट-एन को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार भी लगाने की कोशिश की, तो आप बेटनोवाइट-एन को नहीं छोड़ पाओगे। तो इसके लिए आपको पहले दृढ़ निश्चय करना होगा, कुछ भी हो जाए मुझे बेटनोवाइट-एन छोड़नी है, अपनी हेल्प से छोड़नी है, अच्छे डॉक्टर की हेल्प लेनी है, लेकिन आपको बेटनोवाइट-एन छोड़नी होगी। डॉक्टर आपकी ओनली 20% ही हेल्प करेगा, 80% फुली आप पे डिपेंड करता है, तभी आप जो बेटनोवाइट-एन क्रीम को छोड़ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं छोड़ पाओगे। तो फ्रेंड, एक और कॉमन सी कमेंट है जो मुझे काफी देखने को मिलती है कि मैम, आपने बेटनोवाइट-एन क्रीम कैसे छोड़ी, कौन सी क्रीम यूज की थी, कौन सी मेडिसिन यूज की थी। जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मतलब कि जो है मैंने मेडिसिन ली थी, क्रीम्स ली थी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट मेरा चला था,
लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटनोवाइट-एन अगर आप छोड़ना चाहते हो दो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, एक आप खुद हो। जब तक आप जो है दृढ़ निश्चय नहीं करोगे कि मुझे बेटनोवाइट-एन क्रीम छोड़नी है, चाहे कितनी भी सिचुएशन आए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तब तक आप बेटनोवाइट-एन नहीं छोड़ सकते हो। दूसरी, आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो। डॉक्टर क्या करेंगे, आपके लिए काफी हैवी मेडिसिन, हैवी क्रीम्स लिख देंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा तो नहीं पर 20% तक आराम मिलेगा। आपकी ईचिंग रैशेस की जो प्रॉब्लम है वो आपको थोड़ी कम होगी। ना ही डॉक्टर कर सकता है, लेकिन फिर डॉक्टर के ट्रीटमेंट से क्या होता है, अंदर से ये रहता है कि हाँ हम डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उससे थोड़ी हिम्मत सी बनी रहती है। दूसरी चीज, वो आपकी जो प्रॉब्लम को भी थोड़ा कम करता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या है, क्योंकि ये फ्रेंड होता क्या है कि डॉक्टर जो होते हैं वो आपसे पैसा लूटते हैं, आपको गुमराह करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, मैंने सुरभि हॉस्पिटल में दिखाया था, कैलाश हॉस्पिटल में दो लोगों को दिखाया था, डॉक्टर प्रीत को दिखाया था, तो उन सब लोगों ने सिर्फ पैसे ही लूटे थे, सिर्फ टाइम वेस्ट किया था और कुछ नहीं किया था। फ्रेंड अच्छे डॉक्टर की सिर्फ एक ही पहचान है, जब आप कोई अच्छे डॉक्टर पे जाते हो, आपके एरिया में जो भी स्किन स्पेशलिस्ट है, पहले आपको उनके पास जाना है। आपको फीस की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि फिर इनकी फीस तो ज्यादा होती है, लेकिन ये 3 से 4 महीने में सिर्फ एक बार ही बुलाते हैं। तो 3 से 4 महीने में अगर एक बार बुलाते हैं तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा है हमारी स्किन के लिए, भाई स्किन से ज्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तो आपको इनके पास जाना है, आपको इनको अपनी प्रॉब्लम को बताना है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपने कितने ईयर्स यूज किया और आप इसको छोड़ना चाहते हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपको डॉक्टर को बता देनी है। इसके बाद आपको ये लिखेंगे मेडिसिन एंड क्रीम, आपको साथ के साथ परचेज नहीं करनी है, आपको आना है घर पे, घर पे आपको नेट पे रिसर्च करना है उस क्रीम के बारे में, उस मेडिसिन के बारे में। अगर उन क्रीम्स में एंड मेडिसिन में एक भी % एस्ट्रॉइड नहीं है, वो बिल्कुल एस्ट्रॉइड फ्री है, इट्स मीन्स आप समझ जाइए कि आपको जो डॉक्टर मिला है वो बहुत ही अच्छा है और आपको उनका इलाज जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, और आपको मेडिसिन एंड जो क्रीम वो आपको जो रिकमेंड कर रहे हैं वो आपको परचेज कर लेनी है। एंड फिर अगर आपको जो क्रीम एंड मेडिसिन मिली है और आप उसको नेट पे रिसर्च करते हो और उसमें 0% भी एस्ट्रॉइड है, तो इट्स मीन्स आपका जो डॉक्टर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो सिर्फ एस्ट्रॉइड देख के आपको गुमराह कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल यही है, आपको उस डॉक्टर के पास नहीं जाना है, उसकी कोई भी मेडिसिन को परचेज नहीं करना है। फ्रेंड्स मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं जिम भी डॉक्टर पे जाती थी, उनको जो है प्रॉब्लम कुछ से तो कोई मतलब था ही नहीं कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, वो सिर्फ मेरे लिए क्रीम्स लिखते थे, मेडिसिन लिखते थे, उनमें क्या होता था मैं उनको यूज करती थी तो ठीक रहता था, मुझे लगता था मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रही हूँ मैं ठीक हो जाऊंगी, यूज करती थी ठीक रहता था, जैसे यूज करना बंद कर देती थी वही सारी प्रॉब्लम्स फिर से मेरे फेस पे होने लग जाती थी। फिर हम डॉक्टर पे जाते थे तो वो थोड़ा बहुत परसेंट 0% से थोड़ा और बढ़ा देते थे, फिर वही प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे हस्बैंड बोले यार ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं इसके बाद भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्योंकि जो है सर्च किया नेट पे तो उनमें देखा गया कि उनमें एस्ट्रॉइड था। अगर जब हमें एस्ट्रॉइड ही अपने फेस पे लगाना है तो फिर तो हम बेटनोवाइट-एन ही लगा लेंगे, क्यों आपको 1000 रुपए फीस के देंगे, 1000 रुपए की क्रीम खरीदेंगे जब हमारी 20 रुपए की क्रीम से ही काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूंगी कि पहले आपको अच्छा स्किन डॉक्टर देखना है, और स्किन डॉक्टर भी जो होते हैं काफी अच्छे अच्छे होते हैं, जो आपको काफी हैवी मेडिसिन लिख देते हैं, हैवी क्रीम्स लिख देते हैं, जिनसे जो है आपको हेल्प मिल जाती है। लेकिन अगर जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आपने कौन सी क्रीम लगाई, आपने कौन सी मेडिसिन लगाई, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिर होता क्या कि वो मेरे लिए सूटेबल थी, मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की, हो सकता है मैं आपको बता दूं वो आपको सूट ना करे और आपके लिए और भी ज्यादा हार्मफुल हो जाए, तो इस डर से मैं आपको नहीं बताती हूँ। लेकिन रही बात क्रीम की, तो मैं फिर भी आपको क्रीम का नाम बता देती हूँ, उस क्रीम का नाम था पिकॉन, और वो ये क्रीम थी मेरी पिकॉन जो है आप देख सकते हैं अभी जो है बिल्कुल फिनिश हो गई है ये, और तो मैंने ये पिकॉन क्रीम लगाई थी। मेडिसिन का मैं आपको नाम नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेडिसिन के साथ काफी सारी सिचुएशन भी थी, मैं मैरिड थी तो मैंने उन सिचुएशनों को फेस किया था, हो सकता है आपका डॉक्टर आपको किस तरीके की मेडिसिन लिखे आपके हिसाब से आपके लिए जो सूटेबल होंगी वो लिखेगा, तो मेडिसिन का मैं आपको नाम नहीं बता सकती, हो सकता है वो तो पेट के अंदर जाती है तो हार्मफुल भी हो सकती है। तो मेडिसिन तो आपका जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है वही आप यूज कीजिए, क्रीम आप उसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस क्रीम को परचेस करो। आपको जो है पहले तो खुद ही जो है सोचना होगा कि हमको जो है बेटनोवाइट-एन को छोड़ना है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सारी जितनी भी सिचुएशन मैंने आपको बताई है ये हमको फेस करनी ही करनी है। फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप इतना सब कुछ सहन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर की हेल्प लेनी है। फिर आपका डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देता है, आपका डॉक्टर जो आपको क्रीम्स लिखता है, आपको उनको फॉलो करना है, आपको उनको अप्लाई करना है, जो कि मैं बता रही हूँ उनको नहीं करना है, क्योंकि हर डॉक्टर का अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है। तो सबसे पहले आपको करना है एक अच्छा डॉक्टर सर्च, जैसा कि मैंने आपको बता दिया अच्छे डॉक्टर की क्या पहचान है।
अगर आपके एरिया में कोई अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है तो फ्रेंड जो डॉक्टर राजीव सेखरी थे जिनको मैंने दिखाया था वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे। एक्चुअली हम किसी फिजिशियन पे गए थे तो वहां जो है स्किन से रिलेटेड जो है कुछ बातें चल रही थी, तब हमने जो अपनी जो प्रॉब्लम थी उनके सामने रखी थी, तब उन्होंने हमको जो रिकमेंड किया था डॉक्टर राजीव सेखरी को, उनकी फीस बहुत ज्यादा थी जैसा कि मैंने बताया 1200 रुपए थी। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए ज्यादा है या नहीं, मेरे लिए तो 1200 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं यार, क्योंकि मैंने कभी इतना महंगा ट्रीटमेंट नहीं लिया है। तो 1200 रुपए उनकी फीस होती थी, लेकिन वो मुझे 4 महीने में 3 महीने में एक बार बुलाते थे, और जो पूरे साल में उन्होंने मुझे ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बार बुलाया था और मेडिसिन लिख दी थी, क्रीम्स लिख दी थी, तो मुझे जो है काफी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन बाकी की मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी जो मैं बताती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुजली होती थी, जलन होती थी, रैशेज हो गए थे, फेस इस कंडीशन में नहीं था कि मैं घर से बाहर जा सकूं। लेकिन हो सकता है कि शायद मैं वो क्रीम और मेडिसिन यूज ना करती तो और भी ज्यादा भी हो सकता था, तो मुझे नहीं पता। तो मैं जो काफी कमेंट्स पढ़ती हूँ उनमें मुझे यही सुनने को मिलता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा हो सकता है कि मैंने क्रीम और मेडिसिन ली थी तो मैंने सहन कर लिया और वो लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक बार उनको ये भी बोल दूं कि वो जो है डॉक्टर की भी हेल्प ले लें, लेकिन डॉक्टर की अच्छे की ही हेल्प लेनी है। और एक और कमेंट आई थी मेरे पास प्रिया की, आज ही कमेंट आई थी, तो उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो प्रिया यू आर सो ब्रेव कि आप जो है इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हो और ये नहीं पूछ रही हो कि मैडम मेरा ठीक हो जाएगा या नहीं, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपका फेस ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने मुझसे पूछा था कमेंट में कि मैम मैं सनस्क्रीन कौन सी अप्लाई करूं, तो फ्रेंड मेरी डॉक्टर ने जो मुझे रिकमेंड की थी मैं आपको वही बताऊंगी, वो ऑल स्किन टाइप है तो आप उसे यूज कर सकती हो। तो फ्रेंड मैं एक सेकंड आपको दिखाती हूँ। तो प्रिया मैं यहाँ यूज कर रही हूँ रॉक की सनस्क्रीन जो कि मुझे उन्हीं डॉक्टर ने जो है रिकमेंड की थी, तो आप जो इस वाली सनस्क्रीन को ले सकते हो, इनमें कोई एस्टर तो है नहीं, एस्टर फ्री है और पैराबेन फ्री है, तो आप ये वाली। सो फ्रेंड यही कुछ कमेंट्स मेरे पास जो है रेगुलरली आती थी जिनका मैंने आई होप कि रिप्लाई कर दिया होगा। क्रीम मेडिसिन का नाम बता दिया है आपको, ये भी बता दिया है कि आपसे सहन नहीं किया जा रहा तो आप डॉक्टर की हेल्प लीजिए, डॉक्टर की अच्छी पहचान क्या है ये भी बता दिया है। जिन लोगों की ये कमेंट आती है क्या हमारा भविष्य में कभी चेहरा ठीक हो पाएगा, तो उनको क्लियर कर दिया है 101% आपका चेहरा ठीक होगा अगर आप इन क्रीमों को छोड़ दोगे तो, क्योंकि ये सीधी सी बात है जब इन क्रीमों को छोड़ दोगे इनकी हैबिट आपको धीरे धीरे आपकी स्किन को हो गई है, इसलिए ये आपको एक साल तक परेशान करेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इन क्रीमों को छोड़ दोगे तो धीरे धीरे आपकी जो स्किन है वो अपने आप ही रिकवर होने लगेगी, फिर आपकी स्किन धीरे धीरे रिकवर होने लगेगी, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स जो आती हैं आईब्रो की या रैशेज की, जो धूप में सारी प्रॉब्लम्स होती है खाना बनाते समय होती है, जैसा कि मैंने सब बताया, वो धीरे धीरे जो है धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगेंगी, तो आपका जो चेहरा है वो 101% ठीक हो जाएगा। अगर आप बेटनोवाइट-n क्रीम से हाथ भी नहीं लगाते हो तो बेटनोवाइट-n जैसी कोई भी एस्ट्रॉइड क्रीम को अपने फेस पर यूज नहीं करते हो। तो यही कुछ कमेंट थी जिनका मुझे रिप्लाई करना था, इसके बाद भी कोई कमेंट मुझसे मिस हो गई हो तो सॉरी फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके दोबारा रिप्लाई कर, तो आप मुझे कमेंट में दोबारा बता दीजिएगा, मैं वहां पे आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और मुझे लगा कि कुछ और कोई इम्पोर्टेंट बात रह गई तो उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। सो फ्रेंड आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में एक छोटा बेल आइकन होगा उसे हिट कर दीजिएगा जिससे आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलती हूं आपसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, अभी के लिए।